आ जाओ 10 बजे। तो इस रास्ते से अभी हम और सनी गुजर रहे थे, तो सडनली यहाँ पे देखने को मिला है एक चाय वाला, ठीक है, और कोई ऐसा वैसा चाय वाला नहीं है, एक इंजीनियर चाय वाला। आपको जस्ट अभी हम इसका लोकेशन दिखाते हैं, तो सनी सर घुरा के दिखा दो, ये देख सकते हो एक इंजीनियर चाय वाला के नाम से। अब यहाँ पे क्या इंजीनियर चाय वाला है, क्या चीज़ है, नवयुवक की पहली पसंद, तो अंदर हम लोग चलते हैं कुछ देर में, ठीक है। तो ये कुछ बाहर का नज़ारा है, अगर टाइमिंग अगर देखो तो सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक का है, ठीक है। अगर इसकी ग्रैंड ओपनिंग की बात करें, इसकी ग्रैंड ओपनिंग की बात करें तो ये काफ़ी पहले ही, मतलब काफ़ी पहले हो चुका है, 24 अक्टूबर को ही हो चुका है, हम लोग थोड़ा लेट हैं, तो देखते हैं अंदर में क्या कुछ है, ठीक है। एंड उसे उनसे जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे भी थोड़ा हम बातें करते हैं, क्यों भाई क्यों ऐसा रखा गया इंजीनियर चाय वाला के नाम से। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं। काफ़ी ही सुनहरा सा लग रहा है, देख सकते हैं हरे हरे कालीन बिछाया गया है, एंड जैसे ही हम लोग घुसते हैं यहाँ पे तो गेट पे लिखा हुआ है इंजीनियर चाय वाला एंड नो स्मोकिंग, एंड यहाँ से फिर अंदर चलते हैं। जैसे ही गेट यहाँ से खुलते हैं तो अंदर का कुछ नज़ारा है, ये काफ़ी बेहतरीन सा नज़ारा लग रहा है, ये कुछ ऐसा फील हो रहा है कि लग रहा है कि यहाँ आज नहीं तो कल में किसी का हैप्पी बर्थडे मनाया, सेलिब्रेट किया गया था, एंड यहाँ का डेकोरेशंस काफ़ी बेहतरीन है। ये देख सकते हैं काफ़ी स्पेसियस भी जगह भी है, आप शाम हर एक चेयर के पास एक मेन्यू रखा हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कि क्या क्या है क्या नहीं है। तो ये कुछ रहा। अब ये देखिए ये दूसरा हॉल है, यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं, यहाँ पे भी बैठ करके आप चाय वगैरह पी सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ का नज़ारा काफ़ी ये डेकोरेटिव है, काफ़ी स्पेसियस है, आप अपने फैमिली परिवार अपने दोस्तों के साथ यहाँ आ सकते हैं, एंड मैं कुछ ही देर में जस्ट यहाँ के जो ऑनर है मैं उनसे मैं बात करूँगा, ओके। तो ये सारा कुछ डेकोरेशंस काफ़ी ही बेहतरीन, और हर एक जगह में लिखा गया है नो स्मोकिंग, ताकि आप जो भी फैमिली परिवार के साथ आना चाहते हैं, यहाँ पे पार्टी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो बेझिझक रूप से यहाँ पे आ सकते हैं, है ना। तो ये हमारे फ्रेंड रहे, हाय हाय, कैसे हम? सही है, आप अच्छे कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। तो ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बंटी कुमार हुआ। तो कैसे आपने सोचा कि ये चीज करना है? एक्चुअली हमने पहले मार्केट में रिसर्च करा कि एक्चुअली मतलब चाय के लिए जितने भी मतलब हमारे नवयुवक लोग जो जाते हैं सब, मतलब कि आजकल देखते हैं कि चौक पे मतलब बैठने का जगह नहीं होता है, पहला बात वो लोग पीते हैं चाय, खड़े खड़े पीते हैं, जो भी खाना पीना होता है सब चीज करते हैं। दूसरा बात हो गया कि ये मतलब हो गया फैमिली फ्रेंडली नहीं होता है कहीं पे भी, बिल्कुल ठीक है, कपल फ्रेंडली नहीं होता है, फैमिली फ्रेंडली नहीं होता। तो उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमने मतलब सोचा कि एक अलग ही मतलब तरह का हम लोग कुछ मतलब कि आउटलेट खोले जहां पे हमारा मतलब कि फैमिली तरह का भी हो जाए माहौल, कपल फ्रेंडली भी हो जाए और बैचलर फ्रेंडली भी हो जाए। तो आप देख ही सकते हैं कि हमने मतलब बैचलर के लिए ही ये जो मतलब जो आउटलुक जो तैयार किया है कि एक लाइटिंग का एक अलग ही माहौल दिया है और साथ ही साथ एक बैठने का अलग माहौल दिया है, चाय के मामले में एक अलग ही फ्लेवर हमने मार्केट के हिसाब से अलग करने की कोशिश किया है। और जो कि इससे पहले भी हम लोगों को जो जानते हैं देखे हैं वो लोग ने हम लोगों को पिछले साल मतलब 2022 में दुर्गा पूजा के माहौल में देखा होगा, इंजीनियर चाय वाला के नाम से हमने दुर्गा पूजा में आउटलेट खोला था, जिसका प्रचार प्रसारण जो कि एक तरह से बोले ये इस जगह का ओपनिंग होने से पहले हमने मार्केटिंग वहां पहले कर लिया था ताकि ट्राई कर लेते हैं कि ऑडियंस जो हमारे हैं उनको कैसा माहौल ये लगता है। अच्छा एक बात और पूछना चाहूंगा, जो सबों में कॉमन आता है अभी तक देखा गया बहुत सारे चाय वाले खुले हुए हैं, तो आपने ऐसे क्यों लिखा इंजीनियर चाय वाला? चाय तो बहुत सारे पिलाए, क्या आपने इंजीनियरिंग किया है? जी मतलब कि मैं तो मतलब मैंने तो इंजीनियरिंग नहीं किया है, मैंने बस मार्केटिंग किया है। मेरे दोस्त जिसका ये आउटलेट है, अच्छा मेरे भाई आइए, ये इंजीनियर यही है भाई इंजीनियर, इनका नाम रोशन है। अच्छा बताओ रोशन थोड़ा कुछ अपने बारे में। हेलो गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बढ़िया आप कैसे? अच्छा तो वही मैं जानना चाह रहा था कि आपने ऐसा क्यों लिखा इंजीनियर चाय वाला, कि बहुत सारे नाम चल रहा है आज के डेट में, बट आपने इंजीनियर से क्यों लिखा? भैया एक्चुअली इंजीनियर्स का ये मेरा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। ओके यूनिक सेलिंग पॉइंट है जिसे कस्टमर इसमें अट्रैक्ट होगा कि आदमी इतना पढ़ लिख के एक चाय का दुकान क्यों खोला। बिल्कुल मैं चाह रहा था कि सभी जैसे अभी अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, तभी सोचा मैंने एक मौका, एक अच्छा मौका है, एक अच्छा सा इस एरिया हम लोग को है नहीं एक्चुअली,
तो मैं चाह रहा था कि अच्छा से एक आउटलेट हो जाए जो फैमिली फ्रेंडली हो। देखिए आप देख सकते हैं मैंने पूरा नो स्मोकिंग का सब सेटअप कराया जी। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नो स्मोकिंग हर एक जगह पर लिखा हुआ है। आपने जैसे देखा ही था कि गेट से ही स्टार्टिंग लिखा हुआ है कि नो स्मोकिंग, ठीक है, ताकि ये फैमिली को लेकर के भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अच्छा, मैं दूसरा एक ये भी जानना चाहूंगा, क्या कुछ युवाओं का क्या व्यू आ रहा है आपके अब तक में? अभी तक फीडबैक ऑलमोस्ट ठीक ही है। अच्छा, ऐसे ऐसे स्टार्टअप है, स्टार्टअप के हिसाब से ठीक माहौल ठीक ही लग रहा है अभी। अच्छा। अब आगे देखते क्या क्या होता है। डेफिनेटली अगर आपने अच्छे किया हो तो जरूर कस्टमर्स आपके पास पहुंचेंगे। एंड हमको ये लग रहा है कि ये अभी के जगह में काफी ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, मतलब ये जो लाइट डेकोरेशंस है ये काफी मुझे काफी बेहतरीन सा लगा है। तो सबसे फेमस आपके पास तो देखा मैंने कि काफी बहुत सारे मेन्यू में लिखा हुआ बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें से कौन सा चाय जो सबसे फेमस आप लोगों ने मतलब बना के रखा है? अभी सबसे ज्यादा सेल हो रही है हम लोग का चॉकलेट चाय। अच्छा, सबसे ज्यादा चॉकलेट चाय, ऐसा क्या है पसंद आ रहा है? ऐसा क्या है जो चॉकलेट चाय जो सब लोगों को पसंद आ रही है? चॉकलेट चाय में एक्चुअली बच्चे लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि इधर पहली बार सब जो एरिया में है चॉकलेट चाय पहली बार आया है मार्केट में हम लोग के एरिया में, बाकी जो शहर में तो वो चल ही रही है। जी जी, तो सबसे ज्यादा डिमांड में अभी चॉकलेट चाय है, फिर रोस्ट चाय है। ओके, तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो युवाओं पसंद कर रहे हैं। अच्छा। दूसरा बात ये भी हो गया कि स्नैक्स में आजकल यहाँ पे मतलब कॉमन वही मिलता है, छोला भटूरा, कचौड़ी वचौड़ी, बट बहुत किसी का मन पसंदीदा रहता है मैगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक एक रिफ्रेशमेंट के टाइप से हम लोग ने मतलब कि मैगी और पास्ता भी मतलब अपने हिसाब से हमने ऐड किया है, ताकि और उसके हिसाब से फीडबैक भी मैगी और पास्ता का कुछ ज्यादा ही निखर के आ रहा है। माहौल के हिसाब से जितने भी बैचलर आते हैं, फैमिली आती है, सब सारे कितने भी हैं मैगी तो एक बार जरूर ट्राई करते हैं, उन लोगों का जो फीडबैक मिला है बहुत ही अच्छा मिला है हम लोग को फीडबैक। और बाकी इसमें से सारा चीज अवेलेबल है, आप जैसे सेमेस्टर वन में देख सकते हैं कुल्हड़ चाय से लेके जितना भी चाय है, कुल्हड़ चाय, पान चाय, चॉकलेट चाय, मसाला चाय, रोज चाय, तंदूरी चाय, इलायची चाय, अदरक चाय, लेमन टी, ग्रीन टी, इंजीनियर स्पेशल चाय, ये सारा अवेलेबल है। और इधर सेमेस्टर टू में आप देख सकते हैं हॉट कॉफी, कोल्ड कॉफी, वनीला कॉफी, मिंट कॉफी, आलमंड कॉफी, कैरमल कॉफी, हेजलनट कॉफी, कारमन कॉफी, फ्रूट बेरी कॉफी और चॉकलेट चीज को मैंने हम लोगों ने सारा सेमेस्टर वाइज डिवाइड किया, काफी ज्यादा मात्रा हम दे सकते हैं। इतना चाय जो है अभी तक मैंने तो कभी नहीं देखा था, एंड आप लोगों ने देखा ही होगा तो काफी बाहर बड़े सिटियों में देखा होगा, तो ये एक इस जगह के लिए एक नया सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे दो तीन कस्टमर, चार पांच कस्टमर्स भी बैठे हुए, तो मैं देन यहाँ इस लोगों से बातें करता हूँ, पूछता हूँ उनका एक्सपीरियंस कैसा लगा। तो भैया क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिट्टू कुमार हुआ। बिट्टू कुमार, तो कब से आप यहाँ आ रहे हैं? काफी समय से, जब से स्टार्टिंग हुआ है तब से यहाँ आ रहे हैं। तो क्या कुछ ऐसा जगह लगा और जगह से काफी अलग है, जैसे कि बोला जाए कि सबसे यूनिक बोला जाए। अच्छा, सबसे यूनिक लगा। तो आपने यहाँ के चाय पिया? हाँ, काफी स्टार्टिंग से ही। अच्छा, स्टार्टिंग से आप यहाँ के रेगुलर कस्टमर बने हुए हैं। अच्छा, तो काफी मतलब बेहतरीन है। और आप लोगों को क्या कहना चाहिएगा? कहना चाहिए क्या बोला जाए तो मतलब लोकल जितना और भी शॉप है वो सबसे यूनिक है। अच्छा। और भी जितना वो सब प्राइस लेता है उससे यूनिक प्राइस में मतलब अच्छा चाय पिलाया जाता है। और क्या मतलब कम प्राइस में क्वालिटी दिया जाए, क्वालिटी। अच्छा, तो क्वालिटी तो ये सबसे बड़ी बात है, कम प्राइस में क्वालिटी दिया जा रहा है। क्वालिटी सही है, अपना बैठने का एकदम सही जगह है, सेफ जगह है, एकदम आराम से बैठिए, चाय वगैरह पीजिए, एकदम फैमिली के साथ आइए, बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए, कुछ भी। अच्छा अच्छा, ये मैं और एक चीज जानना चाह रहा है, जो बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में बात कर रही है, या फिर कोई पार्टी, कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करना चाह रहा, तो क्या उसका अलग से चार्जेबल है या फिर वो बता दीजिए, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं यहाँ के जो हमें इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं आप लोगों को भी, उन तक भी ये मैसेज पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ज्यादा पैसा लग जाए या कुछ लग जाए, तो ये ताकि कंफ्यूजन ना रहे और उससे क्लियर हो जाए कि हाँ भाई यहाँ कुछ चार्जेबल लगेगा, ये जानना चाह रहे हैं। नहीं, हम लोग का जो कैफे है, मैंने देखिए सारा जितना भी इसमें मेनू है सब बजट फ्रेंडली है, जो बैचलर है। अच्छा, उनको पॉकेट में महंगा ना पड़े। अच्छा। हम लोगों ने तो उस पर ध्यान दिया है। अच्छा। जिनको बर्थडे सेलिब्रेट करना है, हम लोग इवेंट करवाते हैं, बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी हो गया। अच्छा। तो बजट फ्रेंडली ऑलमोस्ट 1000 में हो जाती है हम लोग। अच्छा, बाकी सारा अरेंजमेंट करके हम लोग ये काफी बजट फ्रेंडली है दोस्तों। एंड यहाँ के आपने जगह तो देखा ही देखा, एंड यहाँ के जो ऑनर्स थे उनसे भी हमारी बातें हुई, तो उन्होंने सबों ने यही बताया कि ये बजट फ्रेंडली है, आप लोग यहाँ पे पार्टी किसी भी प्रकार, चाहे वो एनिवर्सरी हो, बर्थडे हो, आप लोग आ करके कर सकते हैं एंड एंजॉय। सबसे बड़ी बात यहाँ होता है, मैंने देख रहा है जैसे हम लोग का एरिया है थोड़ा, सोसाइटी थोड़ा सा लो डेवलप है, रूरल एरिया पड़ जाती है, तो बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पे सिर्फ लड़के लोग ही आ सकते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बच्चे, बूढ़े, अंकल, आंटी, गर्ल्स, सबके लिए हम लोग बढ़िया से हम लोग फैसिलिटी दिया हुआ है। अच्छा। तो कोई तकलीफ नहीं, हम लोग ने स्पेशल दिया, कुछ दिनों में हम लोग सीसीटीवी, वाईफाई सारा अवेलेबल, सर्विस अवेलेबल करवा रहे हैं। बस स्टार्टअप है, एक नया स्टार्टअप है, टाइम लगेगा, लेकिन हाँ बहुत जल्द हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं।
चलिए, आपने काफ़ी कुछ बताया, काफ़ी कुछ बढ़िया बताया। उम्मीद करते हैं कि आपके जो सेल्स है इससे काफ़ी कुछ आगे हो जाए, एंड जो भी युवा हैं जो सोचते हैं कि पढ़ लिख के ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए भी एक मौका है कि नहीं, काम कोई छोटा बड़ा को देख करके नहीं है, आप अगर कैपेबल हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे जो है ये एक पॉजिटिव वाइब्स निकल के आती है कि आपको भी कुछ आगे बढ़ करके करना चाहिए। तो ठीक है, बस इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, एंड आप लोग डेफिनेटली यहाँ पर आइए। अगर आप इस जगह पे आना चाहते हैं तो यहाँ के ऑनर से ही मैं इस जगह का लोकेशंस के बारे में पूछ लेता हूँ कि क्या यहाँ कौन सा जगह है यहाँ पे। ये लोकेशन है हम लोग का मोहनपुर, जिसमें टिक्का टोला बोलते हैं। मोहनपुर में एक्चुअली आप अगर मेन मार्केट चौक से अगर आप सीधा आते हैं, आपको बैरियर मिलता है। ओके, ठीक है। उसके आगे आप एक ही एक यमा शोरूम है, जस्ट यमा शोरूम के अपोजिट में इंजीनियर चाय वाला आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप समझ गए कि मोहनपुर से थोड़ा दूर आगे आइएगा तो वहां पे एक यामाहा शोरूम है, उसी के जस्ट बगल में ही एक इंजीनियर्स चाय वाला के नाम से प्रसिद्ध है। और आप कहीं भी किसी से भी पूछिएगा कि इंजीनियर्स चाय वाला, तो आपको यहीं का लोकेशन बताया जाएगा। तो देन ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे आइए, चाय का मजे लीजिए, एंड कोई पार्टी फ्रेंडली करना चाहते हो डेफिनेटली आकर के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग दोस्तों एक अगले नए ब्लॉग के साथ। ओके देन, बाय बाय, सी यू।